एक नई चीज जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि इंसानों ने इग्नोर कर रखा था, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रखा था, लेकिन सबसे पहले इंसानों ने अपनी जो जिस्मानी मसल्स हैं, यानी पूरे जिस्म के जो मसल्स हैं, हाथ पांव के जो मसल्स हैं, इनकी तरफ तवज्जो दी कि इनको मजबूत रखने की ज़रूरत है, और जिम जाना शुरू किया महज इसलिए कि उनके जो बाइसेप्स हैं वो बन जाएं। और उसके बाद फिर जब दिल के इमराज का कुछ शऊर आया तो हमने कार्डियक एक्सरसाइजेस को लाजमी करार दिया, और हमने कहा कि अच्छा ये खाना है और ये नहीं खाना, और फलानी शय नहीं खानी और घी नहीं लेना, तो हमने उसकी पूरी रिस्पेक्ट की। उसके बाद डायबिटीज़ का जब मामला आया तो हमने फिर इंसुलिन के हवाले से अपनी अवेयरनेस फैलानी शुरू की और बहुत ख्याल रखना शुरू किया कि हमें किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या सलूक करना चाहिए, और एक्सरसाइज क्या है, और स्ट्रेस तो बीच में एक कॉमन डिनोमिनेटर था हर चीज़ में। आप किसी भी बीमारी का पहलू ले लें तो स्ट्रेस बीच में आप पहले अपनी तरफ से रख सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि अज़ल से ले कर आज तक बनी नौ इंसान ने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या ख्याल रखा स्पेसिफिकली? जनरली जब हम वर्जिश करते हैं तो थोड़ा बहुत सांस का भी फ़ायदा हो जाता है, कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं तो सांस का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये जो हम खांसते हैं ये कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है कि कोई चीज़ है अंदर जो कि बाहर निकालना ज़रूरी है, तो हम खांसते हैं। और अगर हम देखें तो हमने रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। हम दांत साफ़ करते हैं, सुबह शाम साफ़ करते हैं, और इंतज़ार नहीं करते कि वो मैले गंदे हो जाएंगे तो साफ़ करेंगे, और हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि यह काम आपने करना ही करना है। मुझे बताइए कि सांस के लिए या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमने क्या अपने अंदर धूल जाने से रोकने के लिए कुछ इकदाम किए कभी? नहीं। क्या हमने वैसे कभी अपने रेस्पिरेटरी विच इज़ ओपन टू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल ओपन टू द एक्सटीरियर है और हवा जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आ गई, और ये जो सांस की नालियां हैं, पहले मोटी और फिर बारीक नालियां हैं, इनके अंदर एक मेम्ब्रेन है जहाँ से ये सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि गंदगी को ऊपर की तरफ पुश कर रहे होते हैं, और एक नेचुरल सा मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा बेचारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को साफ करता है। हमने कभी उसकी मदद नहीं की। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहा जाए, जिन्हें स्नीजिंग एक्सरसाइजेस कहा जाए, जिन्हें कॉफिंग एक्सरसाइजेस कहा जाए, जैसे कि खांसी फिर हमें आएगी नहीं अगर हम खांसी पहले करके रखेंगे, तो छींकें हमें आएंगी नहीं अगर हम छींकें करके रखेंगे। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही साफ करना शुरू कर दें तो इस साल या अगले साल या आने वाले सालों में जो भी कोई दोबारा फ्लू के अटैक्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। और नॉर्मली हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ हिस्से को, मे बी हाफ, एक आम एवरेज सिडेंटरी पर्सन जो है जो कि किसी हेल्दी हैबिट में नहीं है, वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डॉक्टर साहब कितने परसेंट इस्तेमाल करते हैं और बाकी अनयूज्ड पड़ा रहता है, और हमारे जिस्म का कानून है कि जो चीज़ अनयूज्ड पड़ी रहेगी वो फिर वक्त पे काम नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो ऑटोनॉमिक पे डाला हुआ है ना, ऑटोनॉमिक सिस्टम जैसे उसको खुद ही, जैसे हार्ट बीट है उसको भी हमने उसी पे रखा हुआ है कि खुद ही हार्ट बीट हो रही है, खुद ही हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रही है, इसके लिए हम लोग इसके लिए एफर्ट नहीं करते। एक्चुअली हमें इसके बारे में एफर्ट करनी चाहिए ताकि हम बाइसेप्स बना के रखते हैं कि जब जरूरत पड़े तो फिर कोई मुश्किल पेश ना आए। एक्चुअली वो जो है ना, हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हैं कि हम लोग सिर्फ जो अपीयरेंस है बाहर की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर आप ये रेस्पिरेटरी हाइजीन की बात करें तो उसके दो हम इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो हम एनवायरमेंट से पोल्यूशन खत्म करें अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो शॉर्ट नोटिस पे बहुत मुश्किल है क्योंकि आप साथ बस में भी नहीं है। दूसरा हम ये है कि हम अपने पार्ट पे कर सकें, लाइक हम स्मोकिंग करते हैं अगर तो उसको क्विट करें, और जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम ब्रश करते हैं सुबह दोपहर शाम, जैसे ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले हम उसके साथ भी कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, स्टीम इनहेलेशन है वो हम कर सकते हैं। अगर हम हफ्ते में एक दफ़ा या हफ्ते में दो दफ़ा या रोज़ एक दफ़ा और दो दफ़ा अगर हम बहुत
जो चाय पीते हैं ना उसी की स्टीम भी आप थोड़ी देर के लिए ले लेना, उससे पहले पानी कुछ तो कर ले आप लोग। अच्छा, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हो सकता है कि ये कोरोना की वबा का अगर कोई समर है तो ये हो कि हमारी तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के निगलेक्ट की तरफ हो जाए और हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 100% एक्टिव रखें और हमें पता हो कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो इनएक्टिव हिस्सा है वो भी हमारा रेडी है। यानी अगर हम अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो जिसका एक फ़ायदा हमें ज़िमनी तौर पर पहुंचेगा कि हमें एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंग्जाइटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती हैं।